पता नहीं किस आधार पे कहते हैं, मैंने तो पहले भी पूछा है कि ये सीट तो पहले भी कांग्रेस के खाते में ही थी, कोई नई चीज़ ऐड उन्होंने की हो जिसके आधार पे ये कह सके। ये चीज़ तो एक विधायक वाली पार्टी के लोग भी कहते हैं कि गठबंधन बिखर जाएगा, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मुझे संख्या बल के आधार पे वो समझा दे तो मैं मान जाऊंगा। कारण क्या मान रहे हैं, क्या कारण है यार? कारण अनेक हो सकते हैं, ये विश्लेषण की ज़रूरत है। दोनों राजनीतिक दलों के लोग बैठ करके विश्लेषण करेंगे, जो मंथन से चीज़ निकल के आएगी वो आपके समक्ष रखेंगे। पिछले दिनों सीएम का बयान भी आया था कि चुनाव के प्रचार के दौरान जसपा कहीं कहीं नेता उनके नहीं प्रचार दौरान दिखे। मुख्यमंत्री जी के स्टेज पे स्वयं दुष्यंत चौटाला उनके साथ थे, दो दिन के कार्यक्रम में। एक दिन का उनसे अलग से कार्यक्रम था, तो उस दिन दिग्विजय उनके साथ था पूरे दिन। आप लोगों ने दिखाया होगा सब जगह, मैं निरंतर वहाँ पे गया हूँ। हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहाँ पे, जिनकी जहाँ गांव वाइज ड्यूटियाँ लगाई हुई थी, वो तैनात थे। जसपा चुनाव थोड़ा ही लड़ रही थी, जसपा का वोट बैंक कम हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? जसपा नहीं चुनाव लड़ रही थी, भाजपा चुनाव लड़ रही थी। हम सहयोगी थे उनके, हम सहयोग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने भी जब कहा है, वो यही कहा है कि सबके वोट ट्रांसफ़र करवाना पॉसिबल नहीं होता। जो 15,000 वोट भाजपा का बड़ा है, वो कैसे बड़ा है? मैं यही कह रहा हूँ भाई, हार जीत एक अलग मैटर है। इस पर दोनों राजनीतिक दलों के लोग बैठ करके मंथन करेंगे, क्या कारण रहे हैं। जो भी चीज़ निकल के आएगी वो आपको बताएंगे। हो सकता है वो भी कारण हो। भाजपा के लोगों ने, सव्यम ने भी इस बात को माना है। जेपी दलाल जो उनके वहाँ पे इंचार्ज थे, उन्होंने भी कहा है कि एक कारण वो भी हो सकता है। हम किसानों को समझा पाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। इस चुनाव में जितना प्रयास इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, उसके बावजूद अगर वो इस तरह की बात कहते हैं तो धरातल पे वो शून्य है। ये उनको मंथन करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सबसे बड़े नेता हैं, उनको उन्होंने गांव-गांव 54 के 54 गांव में लेकर के गए। आप निरंतर उस चीज़ को दिखाते भी रहे। एक एक गांव में पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की उन्होंने ड्यूटियां लगाई हुई थी। उसके बावजूद भी कितने वोट उन्होंने लिए हैं, अब ये उनको चिंतन करना चाहिए। ये 50% वोट तो उस अकेले कैंडिडेट के गांव के हैं। मैंने ये तो उनका विषय है, उनको सोचना है इस बारे में कि जो 20 विधायकों से एक पे ले आए पार्टी को, सारे संगठन को बिखेर दिया, अब नोटा जैसे वोट उनको हासिल हो रहे हैं, तो ये तो उनको चिंतन करना है। मैंने हालात पैदा नहीं, मैंने ये कहा था भी वो रीथिंक करेंगे, पुनर्विचार करेंगे अपने फैसले पे। अब करना चाहिए उनको। प्रदेश की जनता ने आईना दिखा दिया, पहले जींद के उपचुनाव में दिखाया, फिर असेंबली के चुनाव में दिखाया, अब इस उपचुनाव में दिखा दिया। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।